प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जौनपुर में भाजपा के साथ गए धनंजय सिंह। आज चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। सही साबित हुआ बहन जी का फैसला। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे, प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है। मायावती ने बिगाड़ दिया बीजेपी का खेल। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। यूपी के जौनपुर में वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी का दामन थामी लिया। धनंजय सिंह ने चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले जौनपुर में धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। करीब दो घंटे भर चली बैठक के बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। धनंजय सिंह ने बैठक के दौरान अपने समर्थकों से पूछा कि बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और कृपा शंकर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इन दोनों में किसका नाम आपने सुना है। इसके बाद उन्होंने खुद ही कहा कि बाबू सिंह को कोई नहीं जानता। धनंजय सिंह के इस निर्णय का जौनपुर लोकसभा सीट पर असर पड़ सकता है। बीजेपी ने इस सीट से कृपा शंकर सिंह, सपा कांग्रेस अलायंस ने बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा ने श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले बसपा ने इस सीट पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि नामांकन के आखिरी दिन मायावती ने प्रत्याशी बदल दिया और श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। तब कई लोगों ने बहन जी के इस फैसले पर सवाल उठाए थे, लेकिन तब ये खबर आई थी कि असल में धनंजय सिंह और उनकी पत्नी खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते और वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। ऐसे में वक्त रहते हुए बहन जी ने श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, वरना नामांकन का वक्त बीत जाने के बाद कोई विकल्प ही नहीं बचता। धनंजय बीजेपी में चले जाते और श्रीकला चुनाव से पीछे हट जाती, लेकिन बहन जी ने समय रहते ही पूरा खेल पलट दिया और श्रीकला का टिकट काटते हुए आधी रात में श्याम सिंह यादव को फोन करके कह दिया कि आप अपने कागज तैयार कर लो। बहन जी का ये फैसला सही साबित हुआ, क्योंकि अब धनंजय सिंह बीजेपी के लिए वोट अपील कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया कि उन्हें जेल से बाहर आने में कहीं ना कहीं कुछ मदद की गई है, जिसका कर चुनाव में मदद करके चुकाया जाएगा। धनंजय सिंह ने कहा कि इस चुनावी महासमर में वो तटस्थ नहीं रह सकते, उन्हें किसी न किसी तरफ तो रहना ही होगा। प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भाजपा को वोट किया जाए। आपसे अनुरोध है कि भाजपा को ही वोट दें। धनंजय सिंह के इस आग्रह के बाद वहां पर जय श्री राम के नारे लगने लगे। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम तटस्थ हैं। हम यहां पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट से बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट से बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह ने 367,149 वोट लेकर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जौनपुर में किसकी जीत होती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि सियासत में दूर की सोचनी पड़ती है, वरना कब कौन धोखा दे जाए और आप बस देखते ही रह जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। धनंजय सिंह के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और बहन जी ने जो इस पर फैसला किया उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।